हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं नाइन्थ साइंस का चैप्टर टू, उसका इंडेक्स क्वेश्चन जो है पेज नंबर 18 के। पेज नंबर 18 पे जो पहला क्वेश्चन है वो तो नॉर्मल ही है, होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस मिक्सचर का, जिसको मैंने जस्ट इससे पहले वाली वीडियो में कवर किया है। सेम इस तरह की आपकी वीडियो दिख जाएगी, आप वहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको सॉल्व जो है, यानी कि कोलाइडल सोल्यूशन जो होता है, सोल्यूशन और सस्पेंशन, तीनों के बीच में डिफरेंस बताना है। ठीक है, सोल्यूशन, सॉल्व यानी कि कोलाइडल सोल्यूशन एंड सस्पेंशन, इन तीनों में आपको डिफरेंस बताना है। सबसे पहले तो सॉल्यूशन को लिख लेते हैं। तो जहां भी मैं सॉल्व लिखूंगी, कोलाइडल सॉल्यूशन आप समझ जाइएगा, इट इज अ होमोजेनस मिक्सचर। क्या होता है वो? एक होमोजेनस मिक्सचर होता है, मैंने बताया था, जो पूरा तरह से जो ना यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करता है। आप कहीं से भी उसको लोगे तो वो क्या शो करेगा? वो शो करेगा होमोजेनसनेस। मतलब यहाँ पे अगर आपने सपोज एक नॉर्मल सॉल्यूशन है, यहाँ पे चीनी मिली हुई है, आपने उसमें से चीनी को, एक चम्मच चीनी को निकाल के देखा, तो जो एक पर्टिकुलर पार्ट में जितनी चीनी होगी उतनी यहाँ पे होगी, उतनी यहाँ पे होगी, तो इट वुड बी ए होमोजेनस मिक्सचर। ठीक है, सस्पेंशन का बेस्ट एग्जांपल आप लेके चल सकते हो चॉक पाउडर हो गया। ठीक है, चॉक पाउडर, सैंड, मतलब जो होता है नॉर्मली, या फिर कोई आपने व्हीट आटा ले लिया, एनीथिंग लाइक दैट। सो ये जो है इट इज अ होमोजेनस मिक्सचर, इट इज एन हेट्रोजेनस मिक्सचर। ये क्या है? ये होमोजेनस लगता है बट एक्चुअली हेट्रोजेनस मिक्सचर होता है। इसका कौन सा एग्जाम्पल हो सकता है? मिल्क इसका एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है, द पार्टिकल्स ऑफ द सोल्यूशन कैन नॉट बी सीन विद अ माइक्रोस्कोप। यहाँ पे आप माइक्रोस्कोप से उसके पार्टिकल्स नहीं देख सकते हो, यहाँ पे इसके पार्टिकल भी नहीं दिखते हैं, मतलब वो आपस में ऐसे मिले हुए होते हैं कि आप इसके पार्टिकल्स नहीं देख सकते। ऑल दो कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको आप हाई पावर्ड माइक्रोस्कोप के साथ देख सकते हो। ठीक है, सस्पेंशन क्या है? आप उसके पार्टिकल्स को ईजिली देख सकते हो क्योंकि बहुत विजिबल होते हैं, जैसे कि चॉक में, सैंड में, या आटा अगर आप पानी में मिला दोगे तो बहुत आराम से देख पाओगे। ठीक है, यहाँ पे अगर आप पार्टिकल्स को पास करोगे फिल्टर पेपर से सॉल्यूशन में तो आराम से पास हो जाएंगे, दे विल पास थ्रू द फिल्टर पेपर। यहाँ पे क्या होगा ना, वो पास नहीं होंगे, दे विल नॉट पास थ्रू द फिल्टर, सॉरी यहाँ पे भी पास हो जाएंगे फिल्टर पेपर से, तो इसको आप फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं कर सकते हो। यानी कि फिर से सुनिए, सॉल्यूशन में पास हो जाते हैं और कोलाइड में जो होता है, कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं उसके अंदर भी हो जाते हैं, लेकिन जो सस्पेंशन होते हैं, फिर से एग्जांपल चॉक पाउडर, सैंड पाउडर, कोई भी आपने आटा वगैरह पानी में मिला दिया, सो दीज विल नॉट पास थ्रू द फिल्ट्रेशन, तो हम उसको सेपरेट कर सकते हैं फिल्ट्रेशन प्रोसेस से। ठीक है, यहाँ पे जो सॉल्यूशन होते हैं बहुत स्टेबल होते हैं, मतलब कि ऐसा नहीं होगा कि अगर आपने उसको रख दिया ऐसे तो वो नीचे जाके सेटल डाउन हो जाएगा, नो, तो सॉल्यूशन वेरी स्टेबल और पार्टिकल्स नीचे जाके सेटल डाउन नहीं होते। यहाँ पे सॉल्यूशन जो है आर क्वाइट स्टेबल, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भी अगर आप उसे रखोगे तो वो सेपरेट आउट नहीं होंगे। इधर क्या है, सस्पेंशन के केस में अगर आपने कोई भी चीज को रख दिया, जैसे बहुत अच्छे से सैंड और वाटर मिला हुआ है, थोड़े टाइम के लिए आप उसको रख दोगे, आप देखोगे कि सैंड नीचे इकट्ठा हो गया है, तो वो कुछ टाइम के बाद सेटल डाउन होना शुरू कर देता है। ठीक है, द ट्रू सॉल्यूशन डज नॉट स्कैटर लाइट, ये जो होते हैं ट्रू सॉल्यूशन स्कैटर नहीं करते लाइट को, ये स्कैटर कर देते हैं। इसके बारे में आप पढ़ोगे, टिंडल इफेक्ट के बारे में मैंने कवर भी किया एनसीईआरटी की वीडियो में, आपको नीचे प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। सस्पेंशन स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट, सस्पेंशन क्या करते हैं, स्कैटर कर देते हैं बीम ऑफ लाइट जो उससे पास करती है, क्योंकि पार्टिकल यहाँ पे काफी लार्ज होते हैं। ठीक है, दैट इज वन डिफरेंस बिटवीन ऑल द थ्री थिंग्स, जिसमें ये क्वेश्चन आपका सेकेंड क्वेश्चन है पेज नंबर 18 का एनसीईआरटी का, आपको मिल जाएगा। उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे, विच इज अ न्यूमेरिकल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन जरूर आते हैं। टू मेक सेचुरेटेड सोल्यूशन 30 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड इज डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 293 केल्विन। ठीक है, फाइंड इट्स कंसेंट्रेशन एट दिस टेम्परेचर। अगर आपको याद हो हमने कंसेंट्रेशन के बारे में पढ़ा था, आपको कंसेंट्रेशन मतलब परसेंटेज निकालनी है यहाँ पे कंसेंट्रेशन की, तो हमने क्या पढ़ा था, मास ऑफ सॉल्यूट ऊपर लिखते हैं, ठीक है, राइटिंग थोड़ी खराब आएगी उसको हम इग्नोर करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, ये मैंने अपनी साइड से नहीं लिखा, ये वाला फॉर्मूला, इसी को मैंने थोड़ा क्लियरली लिख दिया ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट तो हमारे पास है, वो हमारा 36 ग्राम है, लेकिन हमारे सॉल्वेंट का वेट है, अभी मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं आया, तो मास ऑफ सॉल्यूशन लाने के लिए क्या करेंगे, हम दोनों को प्लस कर देंगे 36 एंड 100 को, तो कितना आ जाएगा, 136 आ जाएगा। ठीक है, तो मास ऑफ सॉल्यूट हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे 36, यहाँ पे कितना लिख देंगे 136, और यहाँ पे इंटू 100 कर देंगे। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, किस तरह से हो जाएगा, इस तरह से आपने सॉल्व कर लिया। ठीक है, उसके बाद अगर आप इस दोनों को सॉल्व करोगे, यानी कि इस तरह से मैंने देखो वहीं पे पहुंचा दिया है, तो यहाँ पे अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो इट विल बी अराउंड 26.47%, मतलब परसेंट लिख सकते हो या बाय मास लिख सकते हो, तो ये इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो, एंड दैट इज द इंडेक्स क्वेश्चन। मैंने यहाँ पे आपके लिए, क्योंकि ये कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है कि ये स्लैश क्यों है,
तो उसके लिए यहाँ से सॉल्व कर दिया है, इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आई गेस ये वाला तो जो पार्ट है 18 का हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं 24th पेज पे जो इंटेक्स क्वेश्चन है वो कवर करूंगी, और इससे पहली वाली वीडियो में मैंने पेज 15 के जो क्वेश्चंस थे वो कवर किए थे। आपको वो वीडियो जो एनसीईआरटी की क्वेश्चन की प्लेलिस्ट है उस पर मिल जाएंगी। मैंने थंबनेल में पेज नंबर भी लिख रखे हैं ताकि आपको ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो। ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, कुछ भी समझ में आओ, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड 9th क्लास के डिफरेंट प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, उसको एक बार जरूर चेक कीजिएगा, आपको उसमें काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें मिल सकती है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो।